संसद का बजट सत्र चल रहा है। राज्यसभा और लोकसभा में बहस के दौरान अनेक तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। भाजपा सांसद ने इस निंदा कानून बनाने की मांग की है। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने संसद में बहस के दौरान मोदी सरकार की तारीफ की। वहीं कांग्रेस के राजमणि पटेल ने मध्य प्रदेश के रीवा, सिंगरौली और ललितपुर रेल खंड का निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद इस परियोजना के लिए जमीन देने वाले हजारों किसानों को करार के अनुसार मुआवजा न दिए जाने का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि करार के मुताबिक जमीन देने वाले किसानों के परिवार के सदस्य को नौकरी देने का प्रावधान था, लेकिन परियोजना पूर्ण हो जाने के बावजूद इसे पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसान इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसे कुचलने का काम कर रही है और आंदोलनकारियों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। पटेल ने सरकार से मांग की है कि वह करार के अनुरूप किसानों के परिवार को नौकरी दें। वहीं भाजपा की सीमा द्विवेदी ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को रेलवे में छूट की व्यवस्था बहाल करने और उनके लिए टोल टैक्स में छूट देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण रेलवे में छूट की व्यवस्था को पत्रकारों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसे बहाल किया जाना आवश्यक है। उन्होंने सरकार से यह गुजारिश भी की है कि पत्रकारों को कार्य के दौरान टोल टैक्स से भी राहत मिलना चाहिए। डीप फेक पर कड़े कानूनी प्रावधान की भी मांग की गई है। भाजपा के कैलाश सोनी ने डीप फेक के दुरुपयोग पर चिंता जताई और इसके लिए कड़े कानूनी प्रावधानों की मांग की है। भाजपा के ही पवित्र मार्गरेटा ने भोजन की बर्बादी पर चिंता जताते हुए कहा कि इसके लिए जागरूकता अभियान जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत स्कूल स्तर से ही की जानी चाहिए, ताकि बचपन से ही लोगों में भोजन की बर्बादी को लेकर जागरूकता पैदा हो।